अच्छा आगे बढ़ते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे, मेरा ही आपकी हसीन बेटियां, चार बेटियां और हसीन प्यारी, आपने बड़ा उनकी स्किन उनके बाल, अभी तो जल्दी जल्दी शादियां होंगी तो ये जरा मुझे बताएं कि आपने उनके साथ ऐसा क्या किया, लाइक वो छोटी सी थी तब से उनकी निगहदाश्त शुरू कर दी, पैदा होते ही चलो तुम्हारे ये तेल लगाऊं, या आपकी अम्मी ने ये कहानी अच्छा सुना है? कुछ चीज़ें शुरू से जैसे हमारी फैमिली में चल रही थी, अम्मी कर रही थी, लेकिन अच्छा इतफाक है कि पढ़ना तो मैंने बाद में शुरू किया था बच्चों के बाद, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को ना मतलब नेचर से कुछ ज़्यादा प्यार है, और अब दो बच्चियां बाहर हैं उसके बावजूद वहाँ से कॉल करके रेमेडीज पूछती हैं, मतलब कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करती, मतलब उनका टेंट भी घर में ही बनता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के टेंट भी घर में बनाती है। वाह। अम्मा उसके राहिल के पेट में दर्द हो रहा है, आज राहिल को कुछ हो गया है, आज बुखार हो रहा है, आज मेरी कमर में दर्द है, अभी मेरा जो नवासा है माशाल्लाह अभी 1.5 महीने का है, अभी दिसंबर में हुआ है, तो उनका भी ये होता है कि वो सऊदीया में, उनका ये होता है कि जी अच्छा अम्मा कंजेशन हो गई है या कुछ हो गया, तो वो मतलब बच्चों का जो बचपन गुजरा सारी इन चीज़ों के अंदर गुजरा। अच्छा अच्छा, बाल हों या आपके स्किन हो, उन्होंने कभी मतलब किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखा ही नहीं। स्किन के लिए क्या इस्तेमाल करते? स्किन के लिए जो पहले जो मैं हमेशा से करती आई हूँ, अब थोड़ा बच्चे अवॉइड करने लगे, बलाई फ्रेश क्रीम, फ्रेश ड्राई स्किन है आपकी बेटियों? नहीं नॉर्मल है, एक की जो है वो ऑयली है, बाकी तीन की बिल्कुल नॉर्मल है। और ऑयली वाली पे आप बलाई लगाती हैं? सब पे, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन थी जब टीनेज था, तो मैंने मुझे भी किसी ने बलाई का बोला, बलाई लगा तो ली, मामू का था मेरे निका, निका के एंड दिन ऐसे बड़े बड़े मोटे फोड़े निकल आए। अच्छा देखिए पता है यहाँ पे होता है कि आप बलाई लगा रहे हैं, चाहे ऑयली स्किन है चाहे कुछ भी, आप बलाई को किस तरह से लगा रहे हो, किस तरह कैसे लगाते हैं? अच्छा सिंपल, आपने फेस वॉश किया, जो भी आपने वॉश करके, अच्छा बलाई अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली, अच्छा इतनी ऑयली नहीं कि तेल बह रहा है, अगर बहुत ऑयली तो उसमें चंद कतरे आप लेमन के डालें। अच्छा उसमें बलाई बहुत ज्यादा नहीं लगाई जाती, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ली और उसमें जरा सा जो है ना आपने, जैसे अगर ऑयली स्किन है तो आपने लेमन मिलाया, उसको इतना मसाज करते हैं कि वो जज्ब हो जाती है, चिकनाई नहीं रहनी चाहिए, मतलब वो जितना मॉइस्चर उसको नीड है वो उसको मिल जाता है। अच्छा अब बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, खासकर जो दो छोटी उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनकी उसकी मैक्स की यूनिवर्सिटी भी जाना है, आपके हाथ बदबू आएगी, स्मेल आती है, सोते तो बलाई अगर लगाती है तो कितने देर तक? रात को लगा ली। अच्छा वो रात को सोते हैं, कहाँ है बच्चे आजकल, तो वो तकरीबन 2-2.5 घंटे लगाई, उसके बाद फजर पे मुंह धो के फ्रेश हो गया तो यूनिवर्सिटी चले गए या फिर सो गए। बलाई और एक एलोवेरा जेल, ये ऐसी चीज़ है, ये तो मतलब मुझसे ज़्यादा पौधे लगे हुए, बलाई अलग और एलोवेरा जेल। अच्छा हफ्ते में कितनी दफ़ा लगा सकते हैं? जैसे एलोवेरा तो रोज़ लगा सकते हैं, और जो मेरी तीसरे नंबर की बेटी है माशाल्लाह, मेरे बच्चों को दाने नहीं निकले कभी, नहीं निकले अल्हम्दुलिल्लाह, वरना जवानी के दाने तो सब जवानी के दाने। हाँ। कुछ नहीं, जिनकी शादी अगर उनको एक आधा निकल आते हैं वो भी बाहर जाके, लेकिन अभी किसी को एक्ने का नामो निशान है हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सब कुछ लगा लेती, बलाई बहुत लगाई है, उसके अलावा जो है ना एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल मिलाकर जबरदस्त। अच्छा जो सर्दियाँ हैं कुछ नहीं लगाना, पूरे स्किन पर वाइट धब्बे आ गए, क्रीम नहीं लगानी, एलोवेरा जेल होगा उसमें कोकोनट ऑयल मिलाया वो तो लगा लेंगे, बॉडी पे भी पूरी बॉडी पे लगाया और उसके बाद जज्ब हो गया, उसके बाद आपने शावर भी लिया तो ठीक है, लेकिन अपने फेस पे और हाथ पैरों पे, क्योंकि देखिए बहुत सारी बच्चियां होती हैं और वो नहीं अफोर्ड कर सकती, सही बात है, तो ये वो चीजें हैं भाई, पौधा निकाल लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया, थोड़ा सा आराम से घर की चीजों से कर सकते, चीजें अफोर्ड जैसे बच्चे कर सकते हैं कोई मसला, लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं है, वही कह रही हूँ, इनका नुकसान भी नहीं है और बहुत महंगी भी नहीं है, वरना आप अगर एक अच्छा सीरम लेने जाएंगे आपको 3,500-4,000, और जैसे डॉलर बढ़ गया है और एक्सपेंसिव, तो आपकी आप तो नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता, बच्चियों की पॉकेट मनी इतनी थोड़ी होती है।